आज से विधानसभा चुनावों का आगाज हो रहा है। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाने हैं। असम में भी आज 47 सीटों पर चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर आज वोट डाले जाने 7 बजे का वक्त है। तो पोलिंग बूथों पर जो तस्वीरें हमें मिल पा रही वो ये है कि पोलिंग बूथों पर अब लोग दिखने शुरू हो गए हैं। लोगों की भीड़ वहां पर शुरू हो चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा और इसी के मद्देनजर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम, खासतौर पर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग के पास शिकायतें गई थी, जिसके बाद केंद्र ने अपनी तरफ से तैनाती की है और राज्य पुलिस को भी वहां पर तैनात किया गया है। ईस्ट मिदनापुर से मेरे सहयोगी अनुपम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बांकुड़ा से सुरागनी। सुरागनी, पहले आपके पास आऊंगी, जरा दिखाइए तस्वीरें, लोगों का आना शुरू हो गया है क्या पोलिंग बूथों पर? देखिए, लोगों का आना बांकुरा के सालतोरा में यहाँ पे आना तो बहुत टाइम से शुरू हो गया था। यहाँ पे क्यों दिखा दे, कुछ ही देर पहले वोटिंग शुरू हुआ है, 2-3 मिनट पहले, 7 बजे एग्जैक्टली यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, लोग रेडी है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी है, बात करेंगे। काका, सकाल सकाल वोट दीते चले इसे, अपनी तो सीनियर सिटीजन की रकम इटा लग जे भल लगे तो अपनी तो प्रचुर वोट देखे निश्चय, तो एबार की शांतिपूर्वक होच्छे? अपनारा संतुष्ट, खुशी? तो यहाँ के वोटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन से बात की हमने, उनका दावा है कि बहुत वोटें देखी है उन्होंने, सिक्योरिटी प्रेजेंस से खुश है और सुबह सुबह ही गांव में देखा जाता है कि सुबह सुबह ही वोटिंग जल्द से जल्द लोग कर देते हैं। यही देखिए 7:10 के आसपास है और यहाँ पे पूरा एकदम लोग रेडी हैं वोट देने के लिए। अगर हम बांकुरा के सालतोरा इलाके की बारे में बात करें, मैं लौटती हूँ क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर कतारें नजर आ रही है, लेकिन ईस्ट मिदनापुर का हाल क्या है? अनुपम जरा तस्वीरें भी दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दक्षिण काथी में खड़ा हुआ हूँ। अधिकारी परिवार का जो बूथ है यही है, प्रभात कुमार कॉलेज है और 191 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में हो जाएगा। और इस वक्त जो लाइनें दिखा रहा हूँ मैं, वो लाइन लगनी शुरू हो चुकी है और सुबह से ही लोग यहाँ पर, बंगाल का जो नियम है, चरित्र है कि सुबह सुबह लोगों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती है। गर्मी के दिन है और जो मौसम विभाग है उसने चेतावनी जारी की है कि लू चलेगी आज, तो इसी वजह से लोगों की जो इच्छा है कि सुबह सुबह जब गर्मी कम हो तो वोटिंग यहां पर कर दें। और यहां पर काफी बुजुर्ग भी हैं, 83 वर्षीय एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं और ये ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन आज वोट देने के लिए यहां पहुंच गए हैं। आपका नाम बताइएगा। नाम सिपोती खटुआ। आप सुबह सुबह क्यों आए हैं इतनी जल्दी? गर्मी की वजह से सुबह सुबह आ गए हैं, लेकिन वोट देना जरूरी है और बंगाल का जो चरित्र है, जो वोटिंग परसेंटेज होती है बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से जो कतारें हम देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें, 6 बूथ हैं यहाँ पर। अधिकारी परिवार का भी इंतजार हो रहा है यहाँ पर, शिशिर अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी, शिशिर शुभेंदु के जो भाई हैं, सौमेंदु अधिकारी, सबका वोट यहीं पर है इसी प्रभात कुमार कॉलेज में। तो फिलहाल जो लाइन है, कतारें हैं, वो काफी लंबी लगनी शुरू हो गई है और वोटिंग जस्ट शुरू होने वाली है। नवजोत,